कष्ट क्यों नहीं शेयर की जा, वो दर्द उन्होंने सबके सामने रखा है कि वाकई में अगर एक पर्सन इतना रॉन्ग है, इतना गलत है, फैमिली से उठ के वो वहां तक ना जाते। चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और मेरे इस वीडियो को आप लोग फुल एंजॉय करने वाले हो। आज मैं मतलब आप लोगों को पता है कितने दिनों से मैं वीडियो लेकर नहीं आ रही हूँ, क्यों नहीं लेके आ रही हूँ उस चीज के लिए मैं बताऊंगी। वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मेरे बच्चों की और मेरी खुद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इस वजह से वीडियो लेके नहीं आ रही थी मैं, लेकिन अब स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। तो चलिए जी करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट, जिसके लिए मैं कह रही हूँ कि बहुत एंजॉय करने वाले हो आप आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो ये मैंने क्यों पोस्ट पर शेयर किया, गांव वालों तैयार रहना आज का वीडियो आ रहा है, ऐसा कुछ मैंने पोस्ट पर आप लोगों के साथ शेयर किया। उसकी वजह यही है कि पुत्तन परी जो है वो अपनी स्टोरी के जरिए पूछती है गांव वालों से कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया। गांव वालों, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? अरे पुतन, गांव वालों से मत पूछिए। तो यहाँ पर जो है सब लोगों को पता है कि आप लोगों की निजी जिंदगी जो है आप लोगों ने यहाँ पर उडेल कर रखी हुई है, जाने कि YouTube के ऊपर है, ठीक है जी। तो वो चीजें सब लोगों के साथ में क्लियर है, कितनी बार प्यार करोगी पुतन, प्यार ना होगा दोबारा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो आप लोगों को बिल्कुल भी बोर ना करते हुए लेके आते हैं। सबसे पहले तो बात नन्नू जीजा के ऊपर। तो नन्नू जीजा ने जब बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया अपने बेटे का बर्थडे, आप लोगों ने सबने देखा और फुल ऑन एंजॉय किया उनका एपिसोड, ठीक है जी। और वहां पर जी किसको इनवाइट किया गया आप लोगों ने भी देखा, मामाज फैमिली को इनवाइट किया। चलिए उसमें से उनके वो ही सिर्फ मामा मासी के बच्चे जो हैं वो आए, जो कि एक्चुअली में कहते हैं ना कि रिश्तेदारी नहीं सच का जो साथ देते हैं। रिश्तेदारी तो चलिए ठीक है, जैसी भी है रिश्तेदारी बनी है तो पुतन के जरिए से ही बनी है, लेकिन एक्चुअली में वो सब चीजें उनको क्लियर होंगी तभी तो वो नन्नू जीजा के साथ में है ना। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक चीज और भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लालची भी कह रहे हैं, व्यू के लालच में बोल रहे हैं। नन्नू जीजा के यहाँ स्पोर्ट में हम बात बिल्कुल भी नहीं करें, ना पुत्तन परी के स्पोर्ट में बात करें, लेकिन बात आ रही है बच्चे की तो उस पर हम लोग ये जरूर से बात करना चाहेंगे कि जब मासी और मामा सॉरी झूठी और गुलाब सिंह, ठीक है, अपने एपिसोड बना के, देखिए मैं पहले भी ये चीज पुतन परी को इवन पर्सनली तो नहीं कभी, लेकिन हाँ उसके एपिसोड के नीचे ये कमेंट जब उस टाइम पे किए थे कि जब नन्नू जीजा का फर्स्ट बर्थडे था तो मैंने कहा था पहला जो है वो पहला ही होता है, दूसरी बार में तो फिर क्या फायदा उस चीज का, है ना। तो जब पहली बार में वो चीजें जा रही कि हम पहली बार मिले, पहली बार हमने ये किया, पहली गाड़ी, सबको याद रहती है ना शादी के बाद वाला पहला बर्थडे, जब शादी के बाद वाली वो सब चीजें जो पहले पहले बच्चे के साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेट करना, उसके रिचुअल्स जो है वो एंजॉय करना, वो सब चीजें नहीं होने दी हैं झूठी ने, लेकिन उसका फर्स्ट बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट, चलिए बहुत अच्छा माँ ने अपनी ओर से, माँ के लिए तो हर दिन जो है, मैंने पोस्ट पर भी शेयर किया, चाहे वो पुत्र परे चाहे कोई और है, माँ तो माँ होती है, उनके लिए तो हर जन्मदिन के ही बराबर होता है अपने बच्चों के साथ जब तक वो की टाइम स्पेंड करती हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं। तो ऐसा ही कुछ था कि माँ को उस टाइम पे भी फुर्सत नहीं थी कि वो अपना एपिसोड जो है वो शूट कर सके, लेकिन झूठी और गुलाब सिंह ने अपना एपिसोड शूट करके जी ट्रेंडिंग में आ गए थे और खूब शोर शराबा भी करा था, धमाके करे थे, ठीक है जी, क्योंकि ट्रेंडिंग में आना था उनको, ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन अभी जो सेकंड बर्थडे जो है यहाँ पर नन्नू जीजा ने सेलिब्रेट किया, तो उसके लिए उसको क्यों कहा जाता है कि ये सबके सहानुभूति बटोर रहा है या फिर ये लालची जीजा है तो वो ऐसा कर रहे हैं, तो भैया लालच तो उधर भी बराबर का ही है ना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर लालची झूठी और मौसा जी जो थे, मौसा जी कहें या फिर हमारी बिटिया मोटू बिटिया, लालच तो उनको भी भरपूर रहा है, बच्चे के प्यार का ही लालच क्यों ना हो, बच्चे के नाम का ही लालच क्या ना क्यों ना हो, बच्चे के साथ खेलने का ही लालच क्यों ना हो, या फिर बच्चे के ऊपर एपिसोड बनाने का ही लालच क्यों ना हो, ये सब चीजें।
फर्स्ट बर्थडे पर कुछ कपड़े देख के सब लोगों के सामने वो वाला एपिसोड शेयर करने के बाद जूटी ने बोला था कि नहीं मैं ये सब चीजें नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन मोटू बिटिया ने ये बोला था कि बच्चे का एक डायपर भी जो है वो नहीं दिखाना है। तो फिर वो ये सब चीजें ना कि मोटू बिटिया की ही चलती है, तो मोटू बिटिया नादारद है, कहाँ है मोटू बिटिया। और यहाँ पर तो मोटू बिटिया के साथ साथ चंपा चमेली को भी सेलिब्रेशन में इन्वाइट किया, जहाँ फिर कहीं और जो है सेलिब्रेट किया, ठीक है, और वहां पर चंपा चमेली भी साथ में थी। तो जी इनकी इंजॉयमेंट जो है वो भरपूर रही है हमेशा की तरह, लेकिन उसके जो है एपिसोड नहीं बनाए होंगे, छोटी छोटी क्लिप जरूर से बनाई होंगी, किसने, पुत्तन परी ने, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्रीमेंट हो चुका है कि पुत्तन परी जो करेगी, लेकिन उसमें बिल्कुल भी वो नहीं लेंगी झूठी अपने एपिसोड में, जहाँ फिर गुलाब सिंह, क्योंकि ये वाली बात जो है गुलाब सिंह के ही चंपा के साथ मिलने पे जहाँ फिर एंगेज होने पे, है ना, एंगेजमेंट पे, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि एक छोटा सा फंक्शन जो भी ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें पुत्तन परी को फैमिली से, तो ऐसा क्यों, मैंने वो पोस्ट भी शेयर की थी, तो उस टाइम पे पुत्तन परी ने जो है बहुत सारी स्टोरी भी शेयर की जिसमें उसने दिखाया कि मैं भी फैमिली में हूं। देखिए वन बाय वन सब लोग जो हैं वो पिक क्लिक करवाते हैं दूल्हा दुल्हन के साथ। मैं अपने मुद्दे से नहीं हटी हूं, मुद्दा हमारा वो ही है कि चिंटू को लेके, उसके बर्थडे को लेके जो बात है ना, लेकिन यहाँ पर ये बात है कि हमेशा से अपनी फैमिली के गुणगान करती नजर आती हैं पुत्तन परी, तो फिर फैमिली की फैमिली ग्रुप जब होता है तो उसमें फैमिली ग्रुप में पुत्तन परी को क्यों नहीं लिया गया था। और पुत्तन परी का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी साथ में हूँ। अरे वन बाय वन तो फिर बाद में सब लोग क्लिक करवाते ही हैं, तो ऐसे तुमने भी करवाया उस टाइम पे, तुमने अपनी, समझ में नहीं आता कि जब एक बच्चे की आप माँ हो तो आप अपने बच्चे की खुशी के लिए रेडी क्यों नहीं हुए, तो क्यों दुनिया को दिखाना ये सब चीजें कि मैं तो ऐसे बसोसी सी घूम रही हूँ, मतलब ऐसे गलत चीजें हैं ना ये। जब आप वन पीस में या शॉर्ट ड्रेस में एंजॉय कर सकती हो तो उस टाइम पे तो ये सब चीजें याद नहीं थी पुत्तन परी को, तो अब ये सब चीजें क्यों याद है। ये मेरा एक छोटी सी अपडेट के साथ ये वाला मेरा वीडियो है, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में जो फ्रेंडशिप निभाते नजर आए, जो रिश्तेदारी निभाते नजर आए, जहाँ फिर जो दुख में साथ थे तो आज वो सुख में भी उसको क्यों भूल जाएं, ननु जीजा, सो वो उनके साथ थे, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर झूठी और गुलाब सिंह ने पोस्ट क्यों नहीं शेयर की, जहाँ फिर स्टोरी क्यों नहीं शेयर की, पोस्ट तो खैर बहुत ही कम ये शेयर करते हैं लेकिन स्टोरी बहुत शेयर करते हैं। चंपा चमेली के लिए बहुत सारी स्टोरी शेयर करी पुत्तन परी ने, झूठी ने, गुलाब सिंह ने, तो यहां पर एक नाम के साथ ही, सिर्फ नाम के साथ पिक नहीं लगाते चिंटू की, सिर्फ नाम के साथ जो है एक स्टोरी ही शेयर कर देते, तो वो सब चीजें भी बिल्कुल नहीं की है इस फैमिली ने। तो ये एक मैसेज के थ्रू, अब तो ये चीजें भी नहीं कह सकते कि देखिए कि ये जो हमारे अपना आपसी मैटर है, बहुत सारी अब भेड़े आ जाएंगी यहाँ बोलने के लिए कि ये मत करिए, वो मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत बोलिए। हम किसी को यहाँ पर बद्दुआएं नहीं देते, ना हमारी औकात है कि हम किसी को बद्दुआएं दें, लेकिन जो भेड़े बहुत कुछ लिख के जाती है ना वो उन्हीं तक सीमित रहता है, ठीक है। हम लोग ब्लेसिंग देते हैं और ये चीज बोलते हैं कि भगवान करे ये फैमिली थर्ड बर्थडे जो है अपनी फैमिली के साथ चिंटू एंजॉय करे, मनाए। आज की तारीख में बुआ दादी जो भी हैं वो काफी इमोशनल हो गई थी, ठीक है, पापा भी इमोशनल हो गए थे, भैया उनका खून है, इमोशनल होंगे, लेकिन एक माँ जो है अपने बच्चे के साथ दूर है अभी, तो यही उम्मीद करते हैं, यही ब्लेसिंग देते हैं कि वो फैमिली एक बार फिर से एक हो जाए और पुत्तन परी के दिमाग की खिड़कियां खुल जाए ठंडी हवा के साथ, उनको एक अच्छी सोच भी आए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के डाइवोर्स होते हैं लेकिन उनके निजी मामले यहाँ पर हाईलाइट नहीं होते, छोटी छोटी बातें भी क्या से क्या हुआ वो चीजें भी यहाँ नहीं दिखाई जाती। ऐसी ही एक कोमल नारंग है, लास्ट में वीडियो को मैं बोल रही हूँ, वीडियो तो कोशिश करूंगी रेगुलर लेके आऊं लेकिन पता नहीं क्यों नजर लग जाती है या फिर क्या हो जाता है पता नहीं, लेकिन आज मैं जैसी हूँ वैसी आपके सामने आई हूँ। कोमल नारंग के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि YouTube की पहली वही व्लॉगर थी जिसने डेली के व्लॉग जो हैं वो स्टार्ट किए, जिनकी मैरिज से लेके उनके बच्चे तक के, वो उस टाइम पे मैं खैर वीडियो नहीं बनाती थी, मैं उनको बहुत अच्छे से
देखती थी, वॉच करती थी, वेट रहता था मुझे उनके व्लॉग्स का, है ना। लेकिन आज जब वो अपने हस्बैंड लक्की से वो सेपरेट हुई हैं, अलग हुई हैं, तो वो किस नज़रिए से अलग हुई हैं, वो नज़रिया उन्होंने अपना रखा है, वो सोच उन्होंने अपनी रखी है, वो दर्द उन्होंने सबके सामने रखा है। लेकिन ऐसे गलत लाइव कर करके चीजें नहीं की हैं। वो ही फर्स्ट व्लॉगर थी जो कि एक औरत की आवाज बन के सबके सामने उभरी भी थी, ठीक है। फिर उनको बड़े बड़े इवेंट में बुलाया भी जाता था। अब मुझे नहीं लगता कभी कोई झूठी को बुलाएगा। हाँ, जहां पर कॉन्ट्रोवर्सी होगी वहां हो सकता है ये बुलाई जाए, है ना। अच्छा जी, चाहे बड़े बड़े इवेंट में वो, चाहे इवेंट किरण बेदी का क्यों ना रहा हो, वो वहां पर भी उनको बुलाया गया था कि आज की जो नारी शक्ति है उसको सबके सामने आना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप छोटे गांव से हो, या फिर एक स्मॉल सिटी से हो, या फिर मेट्रो सिटी से हो, डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर, ठीक है। डिपेंड करता है, आजकल सब में जो है पढ़ाई लिखाई में भी किसी ने कोई पीछे नहीं है। आजकल लड़कियां बराबर की पढ़ाई करती हैं, बहुत अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन वो एक घर तक सीमित रह जाती है, वो घर तक ही ना रह जाए इसलिए वो आगे आए। तो यही आवाज लेके, यही बातें लेके, तो इतने ही अच्छे व्लॉग्स लेकर कोमल नारंग जो है वो सबके सामने आई थी। लेकिन आज जो उनका डाइवोर्स हुआ है तो सबका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, क्योंकि लक्की जो है वो अपना सेल्फ डिसीजन नहीं ले सके। उनके ऊपर अभी फिलहाल कोई चर्चा नहीं, चर्चा तो हम लोग इन्हीं के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि गलत और रॉन्ग मैसेज जो है अपनी आज की सोसाइटी को, आज की जनरेशन को दे रहे हैं। लेकिन जहां पर जो है साथ निभाया है खुद के ही अपने ही कजन्स ने, तो फिर मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि वाकई में अगर एक पर्सन इतना रॉन्ग है, इतना गलत है, तो खुद की फैमिली, पुत्तन परी की फैमिली से उठ के वो वहां तक ना जाते। ये वही लोग हैं जिनके लिए कभी झूठी ने बोला था कि हमारी नानी के बाद जो है यही वो हमारी मामी है, जिन्होंने मतलब हमें फील नहीं होने दिया कि हमारी नानी अब इस दुनिया में नहीं है और हमारे ये सुख दुख के साथी भी रहे हैं। उन्हीं को गुलाब सिंह के फंक्शन में इनवाइट नहीं किया गया था इनवाइट नहीं किया गया था। और वहां पर मुझे ये भी देखने को मिला कि वहां पे जो छोटे मामा जी हैं वो भी शायद पसंद नहीं करते हैं मोटू बिटिया को। थोड़ा ये देखने को लगा जब फैमिली पिक ली जा रही थी उस टाइम पर, जब पुत्तन परी जो है वो नादारत थी, ठीक है जी। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये वही मौसी जी के बेटे भी थे, जो कि मौसी जो है दिल से इतना चाहती, इतना प्यार करती थी इनको कि जब जरूरत पड़ती मदर इंडिया उनको बुलाती थी। लेकिन आज जो है दुख के टाइम पे तो वो हमेशा खड़े रहे, लेकिन सुख के टाइम पे उनको इनवाइट नहीं किया गया। तो मतलब यही हुआ कि आप जो है गलत बातों में भी हमारा साथ दो, नहीं तो हमारा आप लोगों के साथ कट ऑफ है। तो ऐसी कुछ बातें जो है सबके सामने आई, ठीक है जी। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।